नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि गर्मियों में लगाए जाने वाले फूलों के बारे में बताइए, कौन कौन से हम लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम गर्मियों में लगाए जाने वाले फूलों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फूल हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फूल है वो है जीनिया का। तो दोस्तों जीनिया के इस तरह के फूल होते हैं जो कि मिक्स कलर में आते हैं, तो मिक्स कलर वाले आप ले सकते हैं और इनको जो है फरवरी में लगा दीजिए। जीनिया के सीड्स कुछ लोग कहते हैं उगते नहीं, आसानी से उगते नहीं, लेकिन मैंने जितने भी बार लगाए हैं बहुत ही आसानी से लगते हैं। इनको तो आप ट्रे के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, बाद में इनको अलग अलग करके लगा सकते हैं। तो जीनिया के जो सीड्स है वो आप फरवरी में लगा दीजिए। ये देखिए, ये सारे जीनिया के सीड्स अलग अलग हैं जो कि अलग अलग कलर के, जैसे पिंक कलर का जीनिया है, ये येलो कलर का है, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है, ये जो है पर्पल कलर का है और ये जो है मिक्स कलर का है छोटे पैकेट में। तो जीनिया की बहुत सारी वैरायटी है, सभी तरह के फूल हैं, तो मैं ये सारे कलर लगाऊंगा। उसके बाद हमारे पास आता है कॉस्मोस। कॉस्मोस के फूल जो है गर्मियों में जो लगाए जाते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। इनको जो है गर्मियों में लगाया जाता है, विंटर के मैंने आपको बताया था जो पिंक कलर के होते हैं वो होते हैं, लेकिन ये जो है ये गर्मियों के हैं, येलो और थोड़े से ऑरेंज कलर के होते हैं ये। इनको आप ग्रो कर सकते हैं अभी फरवरी के अंदर, बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट है। एक बार अगर आपने ये लगा लिए तो इनके सीड्स बहुत ज़्यादा आप कलेक्ट कर सकते हैं और उनको ग्रो कर सकते हैं। अगला जो है वो है पोर्टुला का। देखिए मेरे यहाँ इसको विलायती घास कहते हैं और ये एक सकुलेंट प्लांट है। इसके अंदर जो है पानी ये अब्जॉर्ब करके रखता है और जरूरत पड़ने पर देता है। तो इसमें देखिए कलरफुल जो फूल है वो आते हैं, तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके जो बीज है बहुत ही बारीक होते हैं, तो इनको आप केयरफुली और छोटे पॉट में ग्रो करें। इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैं इन फूलों को आप कहां से ले सकते हैं, उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि आजकल जो है इन सभी पैकेट को खरीदने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास कम जगह है तो इनका एक कॉम्बो पैक आता है जिसमें इनके थोड़े थोड़े बीज आपको सारे मिल जाएंगे और वो कॉम्बो पैक आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ता और आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाता है। तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो अगला हमारा जो फूल है वो है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी के फूल जो है एक बेल पर लगते हैं और ये एक परमानेंट प्लांट है। इसको आपने एक बार लगा दिया तो ये परमानेंट है। सर्दियों में जाके इसकी बेल जो है वो सूख सकती है, लेकिन तब तक आपके पास इसके ढेर सारे बीज जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम फरवरी में इसको फिर से लगा सकते हैं। और आप चाहें सर्दियों में इसको बचाना, तो सर्दियों में अगर आपने बचा लिया तो वही बेल दोबारा से चल जाएगी। अगला जो फूल है वो है कॉक्सकॉम का। दोस्तों कॉक्सकॉम का जो फूल है, इसके अंदर आपने देखा होगा जो मुर्गे की जो कलंगी होती है वैसे इसके अंदर फूल आते हैं ऊपर डिजाइन से और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने ये फूल लगाया था, इसको भी आप फरवरी में लगा सकते हैं। अगला जो हमारा प्लांट है ये कोचिया का। कोचिया का जो प्लांट है इस पे क्या ये फूल के लिए नहीं लगाया जाता, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसकी जो खूबसूरती है वो इस प्लांट की जो शेप है उससे, ये ग्रीन कलर का रहता है पूरी गर्मी। सर्दियों में जाके इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज होकर थोड़ा सा लाल लाल सा हो जाता है, तब भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगला जो हमारा प्लांट है वो है गोमफ्रेना का। गोमफ्रेना के फूल देखिए इस तरह से आते हैं जो आपको दिख रहे हैं। कॉमनली जो आपको सीड्स मिलते हैं वो जो बैंगनी कलर के फूल है इस तरह के मिलते हैं, बाकी ये सफ़ेद कलर में भी आता है, थोड़े से रेड कलर में भी आता है। तो इसमें जो है मिक्स कलर है, तो आप गोमफ्रेना को जो है फरवरी में लगा सकते हैं। अगला जो फूल है वो है सनफ्लावर का। देखिए सनफ्लावर की भी काफ़ी वैरायटी आती है, लेकिन ये सनफ्लावर जो है वो टाल रशियन है, यानी कि बड़ा पेड़ होता है। इसमें जो फूल है जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा फूल आता है। आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा हमने ये सारे फूल जो है ग्रो करके मैंने आपको दिखाए हुए हैं और बहुत अच्छे इसमें फ्लावरिंग होती है। मैं इन वीडियो का भी लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है वो है सनफ्लावर टाल सन गोल्ड का। ये भी देखिए सनफ्लावर से थोड़ा सा अलग है, प्लांट इसका लगभग सेम रहता है लेकिन फूल इसमें थोड़ा सा इस तरह से आता है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग है। इसको भी आप फरवरी में लगा सकते हैं। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जो सर्दियों के जो फूल हैं उनके बीज उगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गर्मियों के जितने भी बीज हैं ज़्यादातर क्या बड़े बड़े सीड्स होते हैं, तो आसानी से ग्रो कर जाते हैं। अगला जो हमारा प्लांट है वो है टिथोनिया का। टिथोनिया का जो प्लांट है ये भी काफ़ी बड़ा होता है, इसमें इस तरह के जो है सिंदूरी कलर के जो फूल है बहुत खूबसूरत आते हैं। इसको भी एक बार आपने लगा लिया तो हर बार जो है इसके सीड्स नीचे गिरते रहेंगे और ये अपने आप ग्रो होता रहेगा। मेरे गार्डन एरिया में जो है अपने आप ही जो है सनफ्लावर के
टिथोनिया के बीज जो है अपने आप उग जाते हैं। अगला जो फूल है वो है बालसम का। बालसम के फूल भी हमने उगाए थे और इसके फूल जो है इस तरह से लड़ी में ऊपर प्लांट के जो तना है तने पर इस तरह से लगते रहते हैं, तो इसको भी आप फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। इसके बीज जैसे भिंडी के बीज होते हैं उसे थोड़े से बारीक होते हैं गोल गोल, तो ये भी आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है ग्लाडिया। ये दोस्तों इन सभी प्लांटों में सबसे ज़्यादा टाइम तक चलने वाला फूल है, यानी कि आप इसको अभी फरवरी में लगाएंगे तो ये जब तक सर्दियाँ आएंगी तब तक आपको फूल देता रहेगा। साथ ही अगर आपने सर्दियों में इसको सेव रखा तो ये नेक्स्ट ईयर तक चलता रहता है। बहुत अच्छा फूल है, इसको भी आप फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये सिलोशिया का है। सिलोशिया और जो कोक्सकोम है कुछ लोग इसको एक जैसा मानते हैं लेकिन ये अलग है। इनकी शेप आप देख सकते हैं अलग है, जबकि उसकी मुर्गा कलंगी जो होती है मुर्गे की कलंगनी वैसी होती है और इनकी शेप इस तरह से होती है, तो ये अलग अलग है। इनको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इनके फूल देखिए जैसे आपको दिख रहे हैं इस तरह से कलरफुल आते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये भी हमने लगाए थे लास्ट ईयर, बहुत अच्छे लगते हैं ये। उसके बाद है मिनी सनफ्लावर। ये भी एक सनफ्लावर की वैरायटी है लेकिन इसके अंदर जो फूल है वो छोटे छोटे आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है इस तरह की शेप होती है और फूल छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत होते हैं इनके बीच का जो ब्लैक सा हिस्सा है ये बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट है हमारा होली होग। होली होग के फूल तो अभी भी हमारे गार्डन में लगे हुए हैं क्योंकि ये जो है अपने आप जो बीज गिर गए थे वो प्लांट चल रहा है। लास्ट टाइम जो रह गया था एक प्लांट वो बच गया सर्दियों से और उसमें जो अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अगर आपने इसके बीज नहीं लगाए हैं तो फरवरी में आप इसके बीज लगा सकते हैं। ये पूरी गर्मी आपको जो है फूल देता रहेगा। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन एरिया में ढेर सारे फूल हो तो अभी से ही जो है इनके बीज आप ले लीजिए। अभी तक आपने ये बीज नहीं लिए हैं तो फरवरी तक आप इनके बीज खरीद लीजिए। सबसे पहले आप अपने जो है लोकल शॉप पे जाइए, जो मार्केट में जो शॉप है उनसे पता कीजिए, लिस्ट बना लीजिए सभी फूलों की। मैंने आपको एक एक करके सारे फूलों के नाम बता दिए हैं, आप इन फूलों की लिस्ट बना लीजिए और पता कीजिए आपके मार्केट में कौन कौन से फूल मिल जाएंगे। उसके बाद उन पर टिक लगाते रहिए, जो नहीं मिलते हैं उनको आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बाकी मैं इन सभी के जो ऑनलाइन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इनको ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।